फिरोजाबाद जिले के सुकावाद हाईवे रोड स्थित औद्योगिक आस्थान में पूजा सो फैक्ट्री में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसका सुकावाद उप जिलाधिकारी ने फीता काट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य समिति शिविर की यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है। इससे सैनिकों को उनके कार्यस्थल पर ही उनके स्वास्थ्य की जाँच कर एवं दवा वितरित कर भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी से बचाया जा सकता है। पूजा ग्रुप के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल ने बताया कि हमारी इकाई के सभी श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंजीकृत सदस्य हैं, जिनका प्रति माह निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है। इसी योजना के तहत कर्मचारी एवं उनके परिजनों का कैंप लगाकर निःशुल्क स्वास्थ्य की जाँच एवं दवा वितरित की जाती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनपद ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश के अन्य उद्यमी भी इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हमारे कर्मचारी अपना कार्य कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपजिलाधिकारी को संजीव अग्रवाल द्वारा शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। कैंप में 150 से अधिक श्रमिकों एवं उनके परिजनों के जाँच हेतु पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। देखिए आज जो हमारे सुकोहाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें आदरणीय राजीव अग्रवाल जी का जो प्रतिष्ठान है और उसमें जो कर्मचारी कार्य है, तो उनके स्वास्थ्य के हित में आज जो है हमारे आगरा की डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। उसी कैंप के अवसर पर मुझे भी बुलाया गया था और मुझे आकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आदरणीय राजीव अग्रवाल जी ने कर्मचारियों के हित के लिए स्वास्थ्य कैंप बनाया और सभी कर्मचारी और उनके परिवार इसका लाभ उठाएं और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, और जिससे जो है स्वस्थ जो हमारा नागरिक होता है, कर्मचारी होता है, वही अच्छा काम भी कर सकता है, अच्छा उत्पादन भी कर सकता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा वर्क है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की तहसील सुकोहाबाद के औद्योगिक आस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम आगरा और नोएडा के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सौजन्य से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें जितने भी कर्मचारी जिनका ईएसआई जमा होता है वो और उनके परिवार के सभी सदस्य जितने कार्ड पर पंजीकृत हैं उन सबका निशुल्क जांच और डॉक्टर्स की टीम स्वास्थ्य जांच भी करेगी। ईसीजी ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। हर प्रकार की जांच करने के उपरांत जो प्रेस्क्रिप्शन देंगे उसकी दवाइयां भी उपलब्ध हैं, वो सभी दवाइयां भी दी जाएंगी। इसके तहत ये कैंप लगाया गया है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि ये कर्मचारी राज्य बीमा की योजना तो बहुत पुरानी है और लोग इसके प्रति सरकारें उदासीन रही हैं। मैंने कभी इस प्रकार के कैंप नहीं देखे, केवल ईएसआई जमा हो जाता था और अगर कोई वहां पहुंचा तो उनको दवा मिल जाती थी, इसके अलावा कोई नहीं मिलता था। तो आपके चैनल के माध्यम से हम जनपद के क्या पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अपने भाई जो उद्योग लगाए हुए हैं, जो उद्यमी हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि आप कर्मचारियों के हित में जो ईएसआई जमा करते हैं, ईएसआई की टीम जो आपसे संपर्क कर रही है जगह जगह जाकर के, आप अपने यहाँ कैंप लगाइए, क्योंकि हमारे श्रमिक सुबह से शाम तक काम करते हैं, ये कब बीमार हो जाते हैं ना पता नहीं चलता। इन आयोजनों से वो बीमार होने से पहले जब उनकी जांच हो जाएगी तो वो बीमार होने से बच जाएंगे, हमारे यहाँ अच्छा काम कर पाएंगे और ये जनहित में भगवान के लिए ये हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, किसी को बीमार होने से रोक पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का उद्घाटन, इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय ने किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो डॉक्टर्स की टीम नोएडा और फिरोजाबाद, आगरा, शिकाबाद के सभी आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं सभी का मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रमिक हैं और उनके पारिवारिक जन को भरपूर इस कैंप से भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और वैसे भी हम लोग सदैव तत्पर हैं बीमांकितों के लिए, हमारा स्टाफ सब तत्पर है। और आप आज के जो कैंप में एसडीएम साहब आए हैं उससे हम लोगों का हौसला दुगना क्या चौगुना हो गया। बहुत हमें अच्छा लगा कि हमें कार्य करने में हमारा और उत्साह बढ़ गया।
तो और अग्रवाल जी, आप राजीव जी और संजीव जी के बारे में हम क्या ही कहें, हमें सोचना नहीं पड़ा, हम ये बिल्कुल सकते हैं, हम और जनों को भी अप्रोच करते हैं, पर उदासीनता के चलते वहाँ वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। यहाँ हम दिल खोल के प्रयास करते हैं कि हम भाई वहाँ कैंप पे हमें करना है अच्छे से अच्छा।